इसमिलहमैम सब्सक्राइबर अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल आल टू लर्न इस वीडियो में मैं आज आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं फ्रॉम मोहम्मद अली जना टू इमरान खान वो हम डिस्कस करेंगे पास पेपर से ये लिए गए हैं वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ बेल नोटिफिकेशन दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको उसकी अपडेट मिलती रहे कायद अजम इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट फर्स्ट कंस्टीट्यूशन ऑफ असम्बली तो इसको ऑप्शन है बी एलेवेंथ अगस्त 1947 सेवन को कायद अजम इलेक्ट हुए थे प्रेजिडेंट ऑफ फर्स्ट कंस्टिट्यूशन कंस्टीट्यून असम्बली नंबर टू है इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमेन्स ऑन फोर्टीन अगस्त नाइन्टीन सेवन फ़र्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ़ पाकिस्तान टेंथ अगस्त नाइन्टीन सेवन को हुई थी और वट डेडलाइन डेट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लैमिट अटैली अनाउंस फॉर ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंडिया ऑन फरवरी ट्वेंटी नाइन्टीन फोर्टी सैवन टू जून नाइन्टीन फोर्टी एट हु चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ डोमिनेंस अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन सी है सेल रेड क्लिफ जो थे उन्होंने बाउंड्रीज़ डिसाइड की थी इंडिपेंडेंस के वक्त और व्हेन डेट द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल तो अलेवन ये है फर्स्ट जुलाई नाइन्टीन फोर्टी सेवन को ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उन्होंने पास किया था इंडियन इंडिपेंडेंस बिल लॉर्ड माउंट रिप्लेस एज वॉइसरे ऑफ इंडिया नाइन्टीन सेवन लॉर्ड बेबल जो थे वो लॉर्ड बेबल थे

ये दो पार्ट थे लेकिन सर लॉर्ड ला, मॉन बैठन इसमें नहीं थे हाउ द फ्यूचर स्टेटस ऑफ बंगाल एंड पंजाब वाज टू डिसाइड अंडर थर्ड जून प्लान तो बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट असम्बली मेंबर्स और हाउ द फ्यूचर स्टेटस ऑफ सिंध वाज टू बी अंडर थर्ड जून प्लान बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट मेजोरिटीबली मेंबर और हाउ द फ्यूचर ऑफ स्टेटस एंड डब्ल्यू एफ पी वज़ टू बी डिसाइडेड अंडर थर्ड जून प्लान बाई पेपस्टिक हमारा जो इसमें था कि सिंध का उन्होंने असम्बली से करना था और बंगाल और पंजाब का भी मेजोरिटी ऑफ वोट बाई असम्बली मेम्बर लेकिन जो एन डब्ल्यू एफ पी था पेलीबलिस्टिक से था हाउ द फ्यूचर ऑफ स्टेट एन डब्ल्यू एफ पी बी डिसाइडेड ये हो गया और अकॉर्डिंग टू पार्टीशन प्लान टू डिसीजन लेफ्ट टू द प्रोविजनल असम्बलीज पंजाब सिंध बंगाल नहीं, का नहीं पंजाब का

हाउ मै रिम्बर आर वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली टेन मजीद हुए तो हो गए ऑन वर्ड काज्रेसट्यूशन असम्बली फॉर दर्स्ट टाइम तो एप्शन अलेवन अगस्त फोर्टी सेवन जब वो प्रेजिडेंट सेलेक्ट हुए थे मोहम्मद अली जनाटायर कॉन्स्टिफ़ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन वो थे एन बी इंडियन एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव अमेंडेड और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन वैन द फर्स्ट कंस्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन फिफ्टी सिक्स को फर्स्ट कंस्टिट्यूशन इम्पोज हुआ था फर्स्ट टाइम इन विच कंस्टिट्यूशन पाकिस्तान वाज डिक्लेयर रिपब्लिक नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के कंस्टिट्यूशन में पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया कायाजम वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बाई किंग हाउ मैनी मेम्बर ऑफ फर्स्ट कंस्टिट्यूशन असम्बली वार देयर हाउ मनी फर्स्ट पहलेन फिर टीन हाउ मेनी ईयर द फर्स्ट कंस्टिट्यूशन असम्बली लास्ट डेट सेवन ईयर वो रही थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली और वट वल लैंग्वेज डिक्लेयर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू और बंगाली दोनों को किया था अंदर मिर्जा जून नाइनटीन सिक्सटी टू वैन मार्शालायूब खान वाज अबोलिश ये हुआ था एट जून नाइनटीन सिक्सटी टू वट वाज द टर्म टर्म ऑफ नेशनल असेंबली अंडर दिटन नाइनटीन सिक्सटी टू फाइव ईयर विच ऑफ द दाइस्ट इंटरप्रेटिंग अथॉरिटी ऑल लॉ इन पाकिस्तान अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मार्च नाइनटीन फोटी नाइन टवेल्व मार्च आई थी वो वाज द फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान नूरुल अमीन जो थे वो फर्स्ट वाइस ऑफ पाकिस्तान और तो सिर्फ यही रहे हैं हु टू कवर दे रि रेन ऑफ कंट्री वायल इम्पोजिंग मार्शल लाइन पाकिस्तान ऑन ट्वेंटी सेवन अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी एट तो अयूब खान ने नाइनटीन फिफ्टी एट में मार्शल लगाया था नाइनटीन सिक्सटी टू में उन्होंने एबॉलिश कर दिया था इन विच ईयर हुसैन शही सरवर्दी विजट चाइना नाइनटीन फिफ्टी सेवन में हुसैन शही जो सरवर्दी वजाराज़म थे पाकिस्तान को उन्होंने चाइना का विज़िट किया तो ऑब्जेक्टिव रेजोलूशन मेन ऑब्जेक्टिव ऑनविच द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी बेस्ड और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी टू हूम द प्राइम मिनिस्टर वुड बी आंसर एबल टू बोथ हाउसेज अपर एंड लोअर हाउसेज हु वाज फाइनेंस मिनिस्टर एंड ख्वाजा न कैबिनेट गुलाम मुहम्मद वैन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड द थर्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दसेंबली सेवंथ अक्टूबर फिफ्टी थ्री The agreement Chimut Muhammad Ali cabinet was the establishment of West Pakistan that amalgamated the four events into one mentioned the date 30th September 1955 when Governor General convened the second constitution Assembly May 1955. the second constitution assembly was consisted of 80 members. Under the constitution of 1956, how many seats were reserved for women in East Pakistan 5 in the constitution of 1956 how many seats were reserved for women in West Pakistan? Five.

वज इनक्रीज फ्राम सिक्सटी नाइन टू सेवेंटी नाइन हाउ असेंबली फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान थर्टी फाइव में वेस्ट पाकिस्तान से थे और फोर्टी फोर मेबर ईस्ट पाकिस्तान से थे वैन सेकंड असेंबली अडॉफ फर्स्ट पाकिस्तान ऑफ़ फिफ्टी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ऑन विच डेट प्रेजेंट स्कंदर अकोप who abrogated 1956 Constitution, Skandar Mirza, or who imposed martial law in 1958, Skandar Mirza, who appointed General Muhammad Azub Khan as a Chief Martial Administrator, Skandar Mirza, who was appointed as Secretary General and Deputy Chief Martial Administrator, Aziz Ahmed, General Muhammad Azub Khan appointed as Prime Minister of Pakistan on 24 October 1958, Skandar Mirza deposed on 27 October 1958, what age was specified for the head of the state president President in constitution of 1962-35? how the president was to be elected according to constitution of 1962 by elections or how many members were there in national assembly according to constitution of 1962? 156. फर्स्ट में सेवन नाइन थे और सेकंड में जो नाइनटीन सिक्सटी टू में हुई थी ये उसमें वन फिफ्टी सिक्स थे हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन नेशनल असम्बली अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्यूशन टू सिक्स हाउ मैनी सीट आर रिजर्व फॉर इंटेलैक्चुअल नोमिनेटेड बाई गवर्नमेंट इन नेशनल असम्बली फिफ्टेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दंस्टीट्यूशन टू हाउ मनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द नेशनल असम्बली एट who became Marshal administrator of pakistan after azizul khan general jazia khan who promulgated the legal framework under 1970 and Agham Khan during the bhutto era when the martial law was lifted from the country 13 april 1972 when the national assembly appointed as committee for preparing draft constitution during the region for mr. bhutto 17 april 1972 who was appointed the head of the कंस्टिट्यूशन असेंबली ड्यूरिंग भुट्टो एरा अब्दुल हफीज पीरज़ादा ड्यूरिंग द भुट्टो रूल द वन द कंस्टिट्यूशन कमिटी प्रजेंट द ड्रॉफ्ट कंस्टिट्यूशन बिफोर नेशनल असेंबली तो इसका आंसर है ट्वेंटी सेवें ट्वेंटी सेकेंड फरवरी नाइंटीन सेवेंटी थ्री थ्री वैन दाइनटी सेवटी थ्री कंस्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स फोर्टीन अगस्त नाइंटीन सेवेंटी थ्री विच काइंड ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री कंस्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री Who is the, the titular head of the country according to 1973 constitution president according to 1973 constitution the president must be muslim who lacked him senate and national assembly mention the term for the president prescribed in the constitution of 1973 5 year who, which of the following restriction was imposed on the president of 1973 constitution president could not be elected for more than one two terms who lacked prime minister according to the constitution of 1973 senate the prime minister and his cabinet is responsible for national assembly who of, uh, whose office is excluded from the parliament president in parliamentary system of government who is the focus of executive authority prime minister according to which article 173 constitution the federal government is composed of the prime minister and his cabinet article 90

or the president appointed a person qualified to be judge of supreme court but this person is called attorney general appeal from judge and order in hadood case lies to federal shariat court when east pakistan was separate from pakistan 16 december 1971 the defeat of pakistan in the war in 1971 disgraced the army so Yahya khan left the government by handing over power to Iskandar But bhutto replaced Yahya khan

वैन द लोकल बॉडीज इलेक्शन वर हेल्ड डोरिंग जिया रीज़न रेन जो था वो नाइनटीन एटी टू जिया के रेन में नाइनटीन एटी टू में इलेक्शन लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे इलेक्शन थ्री द लोकल बॉडीज़ वर हेल्ड ऑन नॉन पार्टी बेसिस वट व टर्म ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन टू ईयर हाउ मच टाइम जिया वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंडम ऑफ नाइनटीन एटी फोर फाइव यर नेम द यूएस एस एम्बेसडर टू पाकिस्तान हु वॉज किल्ड विज जनरल जिया सी वन थर्टी प्लेन ऑर्नर्ड राफेल वेयर प्लेन सी वन थर्टी क्रैश ऑन सेवनटीन अगस्त नाइन्टीन एटी एट नियर लाहौर जिया फाइव फील की नाइनटीन एटी फोर में फिर जो यू एस एम्बेसडर पाकिस्तान ऑर्नर राफेल जो थे वो ज्या किसान की डेथ हुई थी और डेथ उनकी हुई थी 17 august 1988 after the death of general zia who became the acting president of pakistan Hulam when the election of national and provincial assembly were held in 1988 16th and 19th november when the full-scale war broke out the west pakistan india border and kashmir valley 3rd december 1971 who was elected first chief minister of gilgit-baltistan Mehdi shah at a sea level who is appointed to try civil case सिविल जज एंड द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश अ फेडरल जुडिश्री अकेडमी वट इज़ इट्स फंक्शन ट्रेनिंग ऑफ जज फॉर स्पीडी जस्टिस वफाकी मुतसिफ अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी एक्सटेंशन ऑफ एनअर और फॉर रीअपॉइंटमेंट अंडर एनी सरकम टॉन्सेज वट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इजर फोर ईयर वैन प्रवेज मुशरफ टू को द रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर रिमूविंग नवाज शरीफ गवर्नमेंट ट्वेल्थ अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी नाइन आफ्टर द एंड ऑफ नजीर गवर्नमेंट वैन एलेक्शन आर हेल्ड ट्वेंटी फोर अक्टूबर नाइनटी आफ्टर शेकिंग नवाज शरीफ गवर्नमेंट वैन द फॉलोइंग ऑफिस पवेज मुशरफ टुक फॉर हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव एलेक्शन आर हेल्ड ड्यूरिंग मुशरफ रिजन reign 10 october 2002 when prime minister took oath as for a second five-year term. 16 november 2002, the first chief justice removed from his office in pakistan, justice tahir muhammad chaudhry. which amendment has seized the power of president to dissolve the national assembly? 18th, uh, 18th amendment abolished which article of the constitution 58 to be? the senate is a continuous body. its members are elected for a term of six years. Half of them Senator are required after every three years. 18th Amendment was passed on 9th April 2010. 19th Amendment was passed on 1st January 2011. 20th Amendment was passed on 20th April 2012. Named the first female Speaker of National Assembly of Pakistan. Fahmida Mirza C. Si option haven General Jaja assumed the Supreme Command of Armed Forces in 1969, 31st March. Or, uh, who was the founder of Pakistan People's Party, Zulf Ali Bhutto, on which shoulder the future of Pakistan had to rest after the election of 1970s, both for PPP and Awami League? Man, movement of Pakistan conducted before the Supreme Court that it still considered Justice Iftikha Umar Chaudhary as the Chief Justice of Pakistan 16th April 2007. Full bench of Supreme Court gave his verdict.

joseph Reza Gilani as a member of national assembly april 26, 2012. Gilani made history today by becoming first prime minister of pakistan who is convicted by supreme court april 26, 2012 while still in office. prime minister gilani was found guilty for contempt of court over his refusal to obey an order to write the 30th in switzerland and sentenced for 32nd. who was 28th prime minister of pakistan? Shahid Khan Abbasi Iman Khan took as the Prime Minister of Pakistan on 18th August 2018. Special Military court was established under 21st Amendment to try militant for the period of 2 years. Till date, there are how many constitution amendments made in 1973 Constitution of Pakistan 26. Operation Zarb-e-Azb was launched by the Pakistan Forces on 15 June 2014. National Assembly of Pakistan was on 2 July 2014. Approved Protection of Pakistan Bill 2014 named Military Offensive. This bill was remained the force in two years. When country became first, association a Europe Centre of Nuclear Research Members from Asia, Pakistan, under which amendments Special Military Court was established in Pakistan, 21. और हु इज़ टी सेथ चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद तो ये थे हमारे पास वन थर्टी सेवन एफ सी क्यूज ऑफ़ पाकिस्तान स्टडी आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना ख्याल रखिए हाफिज़